आज रेलवे बोर्ड से जनरल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर एच पी प्रदीप कुमार अजमेर हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए आए थे और इस मौके को देख करके नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे अस्पताल अजमेर के विकास के लिए यहाँ पर रेल कर्मचारी और उनके परिवारजनों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले इसके लिए उन्हें ज्ञापन देने का काम किया है। और हमें डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बहुत सकारात्मक जवाब देने का काम किया है। यूनियन ने मांग की है कि रेलवे हॉस्पिटल्स में जो आयुष्मान योजना लागू करने की बात की जा रही है उस पर डॉक्टर प्रदीप कुमार जो हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं उन्होंने इस बात का हमें आश्वस्त किया है कि रेलवे हॉस्पिटल्स में पहले रेल कर्मचारी और उनके परिवारजनों को प्राथमिकता मिलेगी और उसके बाद में यदि जगह बस्ती है तो केवल इंडोर पेशेंट के रूप में आयुष्मान योजना को लागू करने का निर्णय हुआ है और इसमें रेलवे बोर्ड से इस तरह के निर्देश जारी करने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने जो डॉक्टर्स की कमी की बात की है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की बात की है और हमारे जो असिस्टेंट स्टाफ है उसकी कमी की जो बात की है उस पर भी हमें डीजी हेल्थ ने यह आश्वस्त करने का काम किया है कि अभी यूपीएससी से डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इसमें पूरे देश में जो डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, पैरामेडिकल स्टाफ को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसमें अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल का विशेष ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पर स्पेशली जो गायनेकोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की जो कमी है उसको पूरी करने का काम किया जाएगा। अजमेर रेलवे हॉस्पिटल में और भी जो दूसरी कमियां हैं, हमारे यहाँ पर नी रिप्लेसमेंट के लिए स्पेशलिस्ट मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने की वजह से वो मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है उसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, इसको मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में डेवलप करने की बात है। इन सभी बातों पर डीजी हेल्थ ने बहुत सकारात्मक हमें आश्वासन देने का काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अजमेर का जो रेलवे हॉस्पिटल है इसमें और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने का काम होगा और हमारे रेल परिवार को और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलने का काम होगा। मोहन चेलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज। रेलवे हॉस्पिटल अजमेर यहाँ के जो सबसे बड़ा रेलवे हॉस्पिटल है, यहाँ हम 40,000 जो हमारे कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी है उनके लिए हम इधर सेवा कर रहे हैं। इधर इस हॉस्पिटल में सब सुविधाएँ हैं, इधर सब स्पेशलिटीज़ है, फिजिशियन है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आई सर्जन है और काफ़ी सारे सर्जन ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रहा है, कैटरैक्ट सर्जरीज हो रहा है और हमारे पास यहाँ कैजुअलिटी है, इमरजेंसी है और जो भी पेशेंट को यहाँ किसी वक्त या किसी बहाने यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सके तो हमारे पास बाहर के जो हॉस्पिटल्स उसके साथ हमारा एम्पैनलमेंट किया गया है और वहाँ हम उनको भेजते हैं और देखते हैं कि हर पेशेंट को हम उनके जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक से हम उनका ट्रीटमेंट यहाँ कर देते हैं। इसके साथ साथ जो रेलवे में जो ट्रैवल कर रहे हैं हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो भी जो ट्रेन में जब जाते हैं तो उनका भी कुछ आरोग्य की समस्या आए तो वो हमारे सिस्टम है, वहाँ टिकट कलेक्टर है, स्टेशन मास्टर है, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन दी गए तो हमारे डॉक्टर जाके वहाँ से उनको मदद भी करेंगे, उसको ट्रीटमेंट भी करेंगे, ट्रेन में भी उनको मिलेगा और पैसे प्लेटफॉर्म में भी मिलेगा। अगर दुखद वर्ष अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो भी हम रेलवे के द्वारा उनका पूरा से पूरा इलाज फ्री में हम इनको कर देते हैं। इस हॉस्पिटल में इतना सारा फैसिलिटीज़ है। सर, आज आपने अजमेर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, क्या कमियां पाई, उतना काफ़ी कमियां की कोई नहीं है। इधर हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत संतुष्ट हुआ है इस हॉस्पिटल को देख के। मैंने इस हॉस्पिटल को 25,000 रुपीज़ अवार्ड भी दिया गया है और कुछ सुझाव भी दिया हूँ जहाँ इससे कुछ सुधार हो सकता है, जहाँ जहाँ सुधार होना चाहिए वहाँ सुधार की मैं उनको कह दिया। सर, आप तो कह रहे हैं कि आप संतुष्ट हैं लेकिन यहाँ की यूनियंस हैं, जो कर्मचारी यूनियंस हैं वो हमेशा मांग डिमांड करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, हमेशा डिमांड्स लिखी रहती हैं। आपसे भी आज चार मिलेंगे लोग आपसे ये डिमांड्स नहीं। डॉक्टर्स के बारे में मैं यही कहता हूँ कि इधर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में चल रहा है, शायद 15 डॉक्टर्स वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में है, 10-15 बाकी के जो IRMS सिस्टम है। अभी तो हमारे रेलवे में करीब 300 नए डॉक्टर आने वाले हैं, कभी आने के दिन में 3-4 महीने के अंदर वो हमें आशा है कि सारे 300 लोग आ जाएंगे तो हम
सभी इधर के सभी जो रिक्त पद है डॉक्टरों का, और ये सभी लोगों को हम भर्ती कर देंगे, वो 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। सर, रेलवे अस्पताल को निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई नीति या कोई नहीं है? रेलवे हॉस्पिटल निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, रेलवे ही चल रहा है, चलेगा ऐसे ही चलेगा। सर, सीएमएस की जो परचेसिंग पावर है उसको लेके भी कुछ कमी की गई है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि सारे लेवल पर जो भी पावर्स दिया गया है उस पावर्स को बढ़ाया गया है। पहले जो एक डेढ़ साल के पहले जो भी पावर्स थे काफ़ी बढ़ा के वहाँ हम रेलवे बोर्ड से नया नया ऑर्डर्स दिया है, काफ़ी सब लिबरलाइजेशन हुआ है। अब नीचे के जो अधिकारी है उनके पास अधिकार ज़्यादा ही है, कम नहीं है।